ओके सर गाइस, पूजा खत्म हो चुकी है, पूजा हो गई हमारी। उसके बाद हम मंदिर गए थे, मंदिर में भगवान के दर्शन वगैरह किए, उसके बाद आए भगवान जी का आशीर्वाद लिया और फिर बस यहाँ के इस भगवान का आशीर्वाद लिया। बता दिया। अच्छा बता क्या आशीर्वाद था? क्या दिया आपने ये तो बताओ। आशीर्वाद लगा दिया, सदा मेरी रहो। ये हमेशा ये आशीर्वाद देते हैं, सदा मेरी रहो। आप ही क्या और किसके बताओ। नहीं, इस जन्म, हर जन्म, अगले जन्म, हर जन्म में मैं आप ही की सदा मेरी रहो। बिल्कुल, आप भी मेरे रहो। और सदा खुश रहो, और सदा खुश रहने दो। हालत हो गई है खराब। अभी बज रहे हैं कितने, अभी 9:30 बज रहे हैं और सुबह पारण करने हैं। सुबह ही कुछ खाना है, तो अभी पूरी रात है। तो अभी मैं सोच रही हूँ चेंज करके थोड़ा सा लाइट फील करूंगी, उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी ताकि ज्यादा पता ना चले, क्योंकि पूरा दिन हो गया। चेंज कर लूँ फटाफट, ज्वेलरी वगैरह उतार लूँ, पूरा चेहरा भी धुलना है। मैंने ना बहुत सारे लोगों का तीज लुक देखा, मैंने कुछ लोगों के वीडियोस देखे इंस्टाग्राम पे, अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा लगा। सब लोग ना अपनी तरफ से बेस्ट ही करते हैं यार, सब अच्छा अच्छा लुक लेके आते हैं आप लोगों के लिए। बस मुझे ऐसा लगता है ना कि आप रेडी हो, आपको खुद को अच्छा लग रहा है, दुनिया को अच्छा लगेगा। अगर बस एक ही चीज़ थी जो मुझे थोड़ी अनकम्फर्टेबल थी, वो थी मेरे एक्सटेंशंस, क्योंकि आपको पता है बाल मेरे ना बहुत हल्के हैं, तो मैंने एक्सटेंशंस लगाए थे तभी मैंने ये चोटी की थी, और बहुत फाइन भी नहीं हुई थी, क्योंकि देखो यार मैं खुद से ही करती हूँ और मैं खुद कोई ना ऐसा आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, और मैं खुद से ही रेडी होती हूँ। मैंने आज तक जितने करवा चौथ और तीज सेलिब्रेट किए हैं, मैं हर बार खुद से ही रेडी हुई हूँ। इतना प्यारा जो मैंने इतनी बकबक की, वो सब आप लोगों ने देख ही ली, वो सब कुछ ब्लर हो गया, फोकस आउट हो गया। खुद से वीडियो शूट करने में ना यही दिक्कत है, समझ में ही नहीं आता क्या शूट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन एक्सटेंशंस ने मुझे बहुत ज्यादा दुख दिया है, बहुत ज्यादा, इतना दर्द हुआ आज मेरा बाल। इतना मेरी आदत भी छूट गई, ऊपर से मेरे हेयर ना काफी ज्यादा लाइट हैं, तो इस वजह से और भी दर्द होता है। तो अभी मैं फटाफट चेंज करूंगी, डबल क्लेंजिंग से अपना फेस क्लीन करूंगी, बिकॉज चेहरे पे मेकअप है और इसको छुड़ाना बहुत जरूरी है। आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका फीडबैक जान के। एंड मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि यार मैं कंफर्टेबल थी इस पूरे लुक में, मैं कंफर्टेबल थी, तो मुझे कंफर्टेबल देख के आपको भी अच्छा लग रहा होगा। एंड मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक ही रील डाली है, अभी मैं ना एक वीडियो एडिट करके अभी सोच रही हूँ रात में डाल दूँ, लेकिन रात में ना बहुत लोग एक्टिव नहीं रहते, तो मैं सोच रही हूँ फिर क्या ही करूँ। सोचा था शाम को डाल दूंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला शाम को। पता नहीं कैसे बाकी इन्फ्लुएंसर एक ही दिन में सारे वीडियो डाल देते हैं, मेरा तो एडिट ही नहीं हो पाता। बस चलिए फटाफट साड़ी चेंज करते हैं, फिर मेकअप क्लीन करते हैं। मैंने ये हल्का सा आउटफिट पहन लिया है, अब चलते हैं फटाफट फेस क्लीन करते हैं। सबसे पहले फेस क्लीन करने के लिए ना मैं आज क्लिंजर यूज़ करूँगी, बायोडर्मा का। हाँ, बायोडर्मा का क्लिंजर यूज़ करूँगी, क्योंकि ना डायरेक्टली फेस वॉश से क्लीन नहीं होगा। थोड़ा क्लिंजर से ना एक लेयर आप निकाल दोगे तो ईजी होगा मेकअप साफ होने में। आप देखो मैंने मेकअप जो किया था मेरी स्किन टोन का ही किया था, ये देखो इधर मैंने मेकअप साफ कर दिया है, इधर मेकअप है, बहुत कम डिफरेंस है दोनों में। पेग्रीन मुझे कोई पैसे नहीं देता ये सब बोलने के, मुझे पर्सनली इनका फेस वॉश बहुत पसंद है। उनको तो पता भी नहीं है कि मैं उनका इतना प्रोडक्ट यूज करती हूँ। एक ही बार कर दूं वही बहुत बड़ी बात है, बट क्योंकि आज मेकअप बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक रेटिनॉल लगाऊंगी। बिंदी लगा लेते हैं, बिंदी बहुत जरूरी। सो फाइनली आई एम डन, काफी रिलैक्स फील हो रहा है। अब चलते हैं नीचे, थोड़ी देर नीचे बैठते हैं, चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है मुझे।
तो बस चलते हैं, और सुबह सुबह उठ के फिर हमें सुहाग वगैरह भी लेना होता है, उसकी क्लिपिंग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दिवाली बन रही है तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। अब हम चलते हैं और सुहाग वगैरह लेना होता है सुबह सुबह, तो मैंने नहा लिया है, नहा के मैंने नॉर्मल सा सूट पहन लिया है। इतना सर दर्द हो रहा है, इतना सर दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। और एक होता नहीं इसे आप पूरा दिन कुछ नहीं खाए, लेकिन अभी आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बस इतना लग रहा है कि सोना है सोना है, तो सर बहुत दर्द हो रहा है। पहले चलते हैं सुहाग का सामान वामान, सुहाग लेते हैं, आरती वारती करते हैं, मंदिर वंदिर जाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर हम सुबह उठ के आ गए थे सुहाग लेने के लिए। बहुत सारे जगह पर या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पूजा करने के बाद पानी पी लेते हैं, पारण कर लेते हैं, लेकिन हम दूसरे दिन ही करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सुहाग लेंगे, मंदिर जाएंगे, विसर्जन करेंगे, और विसर्जन करने के बाद ही हम कुछ खाएंगे पियेंगे। तो ये प्यास तो बहुत तेज़ लगी थी, तो यहाँ पर हम अपना सुहाग वगैरह ले रहे थे, जो चीज़ें होती हैं फूल माला चढ़ाना, आरती वगैरह करना, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और इसके बाद फिर हम पहले मंदिर जाते हैं, और मंदिर जाने के बाद फिर विसर्जन भी कर देते हैं। और इसमें सारी चीज़ें होती हैं, पूरा सीधा वगैरह लेके जाना होता है, सारी चीज़ें आप देते हो, जो भी चीज़ें आपने रात में पूजा की होती हैं, सुहाग का सामान होता है, बिछिया वगैरह होती है, आपको सारी चीज़ें दान देनी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सुंदर सी बिछिया मैंने ली थी, जो मैंने दान दी। विसर्जन करके हम आ चुके हैं, और मंदिर भी हो लिए, विसर्जन भी कर लिया, वहाँ पर ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि फ़ोन लेके नहीं गई थी मैं। अब बस चलते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं, मतलब पारण करते हैं बेसिकली। माँ भी पूजा कर रही हूँ, पूजा के बाद पारण करते हैं। भूखी मौसी, भूखी मौसी, ओ मेरी भूखी प्यासी मौसी। तो यहाँ पर हुआ कि सबसे पहले बर्फ़ी खा के अपना जो पारण है वो करते हैं, क्योंकि हमने बर्फ़ी चढ़ाई थी। और इसके बाद फिर सबने थोड़ा थोड़ा पंचामृत लिया, चरणामृत, उसी से हमने अपना पारण किया था। इसके बाद चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, मतलब एक पूरा दिन बीत चुका था चाय के बिना। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी, पहले तो मीठा खा के पानी पी लिया था। इसके बाद फिर मैं, और सर दर्द हो रहा था, फिर मैं सो गई। अब ये क्लिप आप देखोगे लगभग 4 बजे के आसपास की, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, नाश्ता वाश्ता बना के मैंने इनको भेज दिया, उसके बाद फिर मैं लेट गई थी। तो यहाँ पर फिर मैं उठी, माँ खाना वाना बना के माँ ने रखा था, तो फिर मैंने खाना वाना खाया। इसके बाद थोड़ा बहुत सामान मंगाया था, उसको थोड़ा सेट करना था, वापस से डिब्बे वगैरह में भरना था, तो ये सारी चीज़ें करनी थी। और सर मेरा पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, एक्चुअली ना मेरा 2 दिन का व्रत हो गया था, मेरा थर्सडे का व्रत भी था और थर्सडे के बाद मेरा ये वाला व्रत भी हो गया, तो मेरा 2 दिन का व्रत हो गया, तो इसीलिए ना मुझे और ज़्यादा फील हो रहा था, क्योंकि 2 दिन से ना बॉडी में आपके नमक नहीं गया, मुझे थोड़ा सा ना फील होता है नमक वगैरह सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बस दोबारा से रख रही थी जो सामान मंगाया था। उसके बाद फिर ये आ गए थे, तो इनके लिए रोटी बना रही थी, मतलब ये वही 3:30 बजे की क्लिप है, मेरे हिसाब से 3:30 बजे की क्लिप है।
तो यहाँ पर मैंने थोड़ा कुछ किया, और क्योंकि मेरा सर दर्द था, मैंने बताया मैं लेट गई थी, तो कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। उसके बाद क्या चीजें हुई, माँ ने खाना वाना बनाया, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। ओके सो बहुत सारे लोग मुझे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अपनी साड़ी कहाँ से ली थी, आपकी ज्वेलरी कहाँ से ली थी, सारी चीज़ें। तो मैंने कहा ना इसी व्लॉग में बता देती हूँ, बिकॉज मैंने चाहती कि इसके लिए अलग से मुझे एक वीडियो बनाना पड़े। तो जो साड़ी मैंने पहनी थी वो बहुत ही सुंदर साड़ी थी, आई नो बहुत सुंदर सी साड़ी थी। सो वो साड़ी थी मेरी मदर इन लॉ की, और वो साड़ी हमने ली थी गोविंद नगर में, कानपुर गोविंद नगर में, कृष्णा एम्पोरियम से, आई थिंक कृष्णा एम्पोरियम ही है नाम पूरा। तो गोविंद नगर में ये शॉप है, दुर्गा मंदिर के पहले ही है, कृष्णा करके उनकी शॉप है, वहाँ से हमने ये साड़ी ली थी। बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी है। स्पेशली इसका ब्लाउज बहुत सुंदर है, वैसे भी ना पिंक और जो ये ब्लू का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। टॉकिंग अबाउट द ज्वेलरी, तो ज्वेलरी के लिए मैंने मेंशन किया है कि मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से ये ज्वेलरी ली थी। ज्वेलरी का जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ पर टाइटल लिखा होता है ना वहाँ पर क्लिक करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना ज्वेलरी का लिंक मैं दे दूंगी, उनके पेज पर जाके डायरेक्टली आप ये वाली ज्वेलरी परचेज कर सकते हो। और एक और चीज़ जो बहुत लोगों ने पूछी थी वो थी नथ। तो नथ जो थी वो एक इंस्टाग्राम स्टोर एसेसरीज चाम की तरफ से मुझे आई थी, बहुत सुंदर सी नथ थी, बहुत प्यारी सी। बाद में ना क्या हुआ था कि वो रुक नहीं रही थी, क्योंकि ना मैंने उसको ज़्यादा फैला दिया था, इसलिए मुझे निकालनी पड़ी बाद में। और मुझे ना थोड़ा बिना नथ वाले लुक भी चाहिए थे, बिकॉज लास्ट टाइम में बहुत लोग बोल रहे थे कि आप नथ पहन के फोटो नहीं खिंचवाते तो शायद ज़्यादा अच्छी आती। तो नथ जो थी वो एक इंस्टाग्राम स्टोर एसेसरीज शाम की थी। एंड लास्टली जो एक चीज़ बच रही है वो है कड़ा। कड़ा जो है वो देविका पाल के इंस्टाग्राम स्टोर से मैंने परचेज किया था, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल हो गई। और इसको मैंने क्रिएट कैसे किया ये वाला लुक, इसका ना वीडियो आएगा, मतलब गेट रेडी विद मीस का जो था वो आएगा, ठीक है। तो ये वाले वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि वो वाला वीडियो भी आ सके। एंड या पूरी डिटेल यही है, साड़ी जो है वो हमने गोविंद नगर कानपुर से ली थी, कृष्णा एम्पोरियम से, दुर्गा मंदिर के पहले ही है इनकी शॉप, एंड उन्हीं की शॉप से ली थी। साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आई थिंक 7-8 के रेंज में थी, लेकिन साड़ी बहुत 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 ज़्यादा सुंदर थी। तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं, जो लोग लोकल गोविंद नगर से हैं वो लोग वहाँ जाके ये साड़ी ले सकते हैं, आई थिंक उनके पास शायद स्टॉक होगा। तो आई थिंक मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है, अब ऐसा कोई सवाल नहीं बचा जिसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। तो बस अब इसके बाद गेट रेडी विद मी आएगा, मैंने कैसे पूरा मेकअप किया और हेयर स्टाइल बनाई। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एनिमीज के साथ भी। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।